गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज मैंने पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया था कि आज क्लास चलेगा, लाइव क्लास चलेगा, जिसमें हम लोग बात करने वाले रहेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, हिटलर के राज में कैसे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हु हैज बीन कनेक्टेड विद आवर लाइव सेशन। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक, वो क्या है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। मेरी इज वाई माई वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज मेरी क्लियर से आ रही है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताएं मुझे। इज माई वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या ओके, चलिए तो अब हम लोग जो है टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। धीरे धीरे और लोग जुड़ेंगे तो फिर मैं फिर से आगे भी रिवाइज कर दूंगा। तो देखिए, अब तक हम लोग पढ़ चुके थे कि हिटलर कैसे पावर में आया था, क्योंकि उसके पास बोलने का स्किल था। उसने वो सारा प्रॉमिस लोगों से किया जो लोग सुनना चाह रहे थे। तो फाइनली हिटलर को लोगों ने वोट दिया, उस पर यकीन किया, भरोसा करके दिया कि तुमको हम वोट देते हैं। लेकिन हिटलर ने आगे क्या किया? डेमोक्रेसी की वाट लगा दी। तो देखिए कैसे हिटलर ने डेमोक्रेसी का वाट लगाया, हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। हिटलर ने क्या किया कि जब वो पावर में आया जनवरी में, जनवरी 1933 में वो पावर में आया, यानी कि वो चांसलर बन गया। कहाँ का चांसलर बना था जी? कौन से देश का? कौन से देश का चांसलर बना था, जरा बताओ आप लोग। तो हिटलर पावर में कब आया, सत्ता में कब आया था? 1933 में पावर में आया। और हिटलर जो है कौन सी जगह का चांसलर था? तो जर्मनी का चांसलर था। अब में से ज़्यादातर लोग सोए हुए हैं, जल्दी से जल्दी उठ जाइए, पढ़ाई का टाइम हो गया। तो देखिए, हिटलर जो जनवरी 1933 में केम टू पावर, वो चांसलर बनाया गया जर्मनी का। अब देखिए, हिटलर को तो जर्मनी का चांसलर बना दिया गया, और आते के साथ उसने ऐसा सा परिवर्तन लाने का प्रयास किया जिससे डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया जाए, ताकि वो सारा पावर मेरे पास आए और जो मेरी मर्जी है, जो मेरा दिल कहता है, उसको हम करें, चाहे इससे लोगों को जान जाए, माल का नुकसान हो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। हिटलर ने क्या किया कि धीरे धीरे डेमोक्रेसी के जो नाव है उसमें सुराख करना शुरू कर दिया, डेमोक्रेसी की नाव को छेद करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसको डुबाने का ही पूरा प्रयास करने लगा। अब देखिए क्या करता है हिटलर, एक बार में नहीं करेगा कुछ भी, धीरे धीरे करता है ताकि आपको एहसास भी ना हो कि क्या क्या हो रहा है। तो देखिए, हिटलर जनवरी 1933 में तो पावर में आया था, जस्ट उसके एक महीने के बाद फरवरी में क्या होता है कि पार्लियामेंट समझ रहे हैं आप, संसद भवन, उसमें आग लग गई, एक मिस्टीरियस फायर लग गई। लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये आग जो है हिटलर ने खुद लगवाई थी। तो खैर, एक फायर आग लग गई। अब आग लग जाने के बाद क्या हुआ, हिटलर एकदम गुस्से में, एकदम इमोशनल होते हुए बाहर आता है पार्लियामेंट के बाहर, और रोते हुए एकदम पूरा इमोशनल सा चेहरा, एकदम रोता हुआ चेहरा बना लेता है, जैसे आप लोग कई बार बनाते हैं अपने पापा मम्मी के सामने जब कुछ डिमांड्स करना हो और वो डिमांड बिल्कुल भी पूरा नहीं हो रहा है,
तो अगर थोड़ा सा इमोशनल चेहरा आप बना लेते हैं भोला भाला सा, तो आपके पापा मम्मी जो है क्लच में आ जाते हैं, आपको जो आप बोलेंगे वो आपको मिल जाता है। तो हिटलर जो है पार्लियामेंट में आग लगने के बाद एक एड्रेस करता है जनता को, बहुत इमोशनल तरीके से, बिल्कुल रो जाता है और कहता है कि पूरी जर्मनी खतरे में है, पूरे हिटलर को मारने की कोशिश नहीं थी, या पूरी तरह से जर्मनी को ख़त्म करने की कोशिश थी, ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है और इसमें किसी को ब्लेम मार दिया। अब जिस पे भी उसने ब्लेम किया सब लोग बोले हाँ उसको पकड़ो, एकदम पकड़ो, दी दे आर वेरी डेंजरस। लोग जो है एकदम हिटलर के और ज़्यादा करीब हो गए, उनको लगा कि हिटलर तो जो कह रहा है एकदम सही कह रहा है भाई, ये लोग जो है बहुत ही ख़तरनाक है, इनको पकड़ के जेल में एकदम डाल देना चाहिए। तो हिटलर जो है इसने पार्लियामेंट में जब आग लगी तो इसने एक फायर डिक्री पास किया। फायर डिक्री का मतलब हो गया कि आग के हिसाब से कानून पास किया, डिक्री मतलब डायरेक्ट ऑर्डर दे पा रहा है, ये कोई पार्लियामेंट का सिस्टम प्रोसीजर फॉलो नहीं चल रहा। इसने क्या किया कि जो आर्क इनिमीज थे इसके, जो सबसे कट्टर दुश्मन इसको ये मान रहा था अपना, उनमें से एक जो है कम्युनिस्ट, उन लोगों को पकड़ पकड़ के अरेस्टिंग करना शुरू कर दिया। और ब्लेम किन लोगों पे दिया, ब्लेम मार दिया इन्हीं लोगों पे। कई बार देखिएगा बहुत सारा बच्चा लोग बहुत बदमाश होता है, क्या हुआ कि उसने कोई चीज खुद तोड़ दी है या उसने खुद दूसरे भाई को मारा है, लेकिन वो अपने ही हाथ को ऐंठ लिया, अपने ही आप को नुकसान पहुंचा लिया, और बाद में पापा के पास जा रहा रोते हुए कि पापा पापा हमको ये मार दिया। अब पापा को लगे कि अच्छा ये बच्चा का हाथ में ऐसे हो गया है, बच्चा रो रहा है, तो बच्चा बेचारा यही इनोसेंट होगा, और उसने जो कि बेचारा बेकसूर है वही पिटा जाता है। तो हिटलर यहीं पर यहाँ पे यही करता है कि वो इमोशनल होके, जज्बाती होके लोगों को अपने, कह लीजिए कि क्लच में लेता है, लोगों को अपने समर्थन में लेता है और ऑर्डर पास करता है कि जो कम्युनिस्ट जो भी लोग हैं जिसको इसने ब्लेम मारा उन सबको अरेस्ट किया जाए। धीरे धीरे उनकी अरेस्टिंग शुरू हुई, उनको बहुत ज़्यादा ही उनको रिप्रेस किया गया, उनको टॉर्चर किया गया। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो ये लाइव क्लास है, हियर यू हैव मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन। ये एक वन साइडेड क्लास नहीं है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए बेटर। तो हिटलर ने आग लगवा दी पार्लियामेंट में, धीरे धीरे लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे और माहौल इसने बनाना शुरू किया, एक कम्युनिस्ट अरेस्ट हुआ, दूसरा कम्युनिस्ट अरेस्ट हुआ, उसका इसने कहना शुरू कर दिया कि नाउ द सिचुएशन ऑफ द कंट्री इज इन वेरी डेंजर, यानी नाउ आवर कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सो इन ऑर्डर टू सॉर्ट आउट ऑल दिस प्रॉब्लम्स वी नीड टू इम्पोज डिक्टेटरशिप। जनता ने कहा जो करना कर लो, तो उसने डिक्टेटरशिप को इम्पोज कर दिया जाके मार्च के महीने में। मार्च आते आते नहीं, 2 महीने में इस बंदे ने पूरा बवाल कर दिया, उसने क्या कर दिया पूरी तरह से डिक्टेटरशिप इम्पोज कर दिया। अब आप बताइए जब आप डिक्टेटरशिप ले आए तो डेमोक्रेसी का क्या कर दिया आपने, कवाड़ा ही कर दिया, डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया। क्या क्या इसने बाद डिक्टेटरशिप लगाने के बाद, लागू करने के बाद हिटलर ने जर्मनी में, कहाँ डिक्टेटरशिप लगाई, जर्मनी में। तो डिक्टेटरशिप लागू करने के बाद हिटलर ने क्या किया, आइए समझते हैं। हिटलर ने डिक्टेटरशिप लागू जब किया तो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, सिर्फ नाजी पार्टी को छोड़ के सारे पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी मजदूर लोगों का यूनियन वगैरह रहता है जिसे हम ट्रेड यूनियन कह सकते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन, इस सब के साथ बहुत इज्जत से पेश आया, सभी को बैन कर दिया। यानी कोई भी पार्टी का लोग, पार्टी को ही बैन कर दिया तो पार्टी का लोग विरोध कैसे करेगा। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट नाजी पार्टी और ट्रेड यूनियन, यानी मजदूर वगैरह लोगों का जो संगठन होता है ना, कई बार मजदूर लोग जो है मिल जाते हैं, मिल के एकदम प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, जनता को भी उसके समर्थन मिल जाता है, तो इसने इन सारे लोगों को ही बैन कर दिया। ना संगठन कोई रहेगा, ना ही कोई जल्दी से कोई प्रोटेस्ट हमारे खिलाफ होगा। तो ये काम इसने किया डिक्टेटरशिप लाने के बाद। साथ साथ में उसने क्या किया कि अब सारा पावर जो है वो अपने अंदर में, खुद हिटलर ने अपने अंदर में इन्वेस्ट कर लिया, और पार्लियामेंट को तो पूरी तरह से साइड लाइन मार दिया, साइड लाइन बोले तो किनारे कर दिया, पार्लियामेंट को पूरी तरह से साइड लाइन कर दिया। पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है कि भाई कोई बिल आएगा तो डिबेट होगी,
इनकी बात चलेगी, उनकी बात चलेगी, सब खत्म, कोई किसी की बात नहीं चलेगी, सिर्फ मेरी बात चलेगी। ये हिटलर का ये तरीका था किस तरह से जर्मनी को बर्बादी के दहाने तक करीब लाना। तो हिटलर ने क्या किया, पार्लियामेंट को साइलेंट किया, और धीरे धीरे हिटलर ने क्या करना शुरू कर दिया कि मीडिया, आर्मी, जुडिशियरी, इकोनॉमिकली हालत जो भी होगा, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले आया वो। अगर मीडिया जो है, आर्मी है, जुडिशरी है, ये सब का सब हिटलर के कंट्रोल में है, तब हिटलर का विरोध करेगा कौन? अब डेमोक्रेसी बची कहाँ? डेमोक्रेसी मतलब होता है जहाँ पे मीडिया हो, स्वतंत्र तरीके से काम कर रहा हो, जुडिशरी हो। जुडिशरी बोले तो क्या मतलब है जुडिशरी का? न्यायपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। तो वो जो न्याय वगैरह देती है, वो अगर इंडिपेंडेंट ना हो तो मामला तो और गंभीर हो सकते हैं। वो भी किसके अंदर आ गए? सरकार के अंदर आ गए, हिटलर के अंदर आ गए। तो दिस हैज बीन प्रूवन वेरी वेरी डेंजरस फॉर द डेमोक्रेसी। तो हिटलर क्या हुआ कि इसने पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया। अब जब सब कुछ उसी के कंट्रोल में है, तो कौन मीडिया का लोग हिटलर के खिलाफ लिखेगा? जुडिशरी के लोग क्या हिटलर के खिलाफ फैसला सुनाएंगे? जब एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल, तब डेमोक्रेसी बची कहाँ? तो चलिए एक बार हम लोग जो पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। मैंने बताया हिटलर पावर में आता है जनवरी में, ठीक है, और ये कहानी डिक्टेटरशिप वो लाएगा मार्च में, और ये कहानी शुरू होती है फरवरी से जब पार्लियामेंट में आग लग जाती है। कहा जाता है कि पार्लियामेंट में आग हिटलर ने खुद लगाई थी। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो कहा जाता है कि हिटलर ने खुद ही आग यहाँ पे लगाई थी। कहाँ आग लगाई थी? पार्लियामेंट में। अब आग जब खुद से लग गई, खुद ही इसने लगाई, तो अब उसने वहाँ के संविधान के अनुसार ये था, जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होंगे तो मुंह गोल करके सिटी बजा के आप ऑल इज वेल नहीं बोलना है, बल्कि क्या करना है, कम्युनिस्ट लोगों मतलब ऐसे हालत में इमरजेंसी लगा देना। तो इसने इमरजेंसी लगा दिया, और वो सारे लोग जिस पे उसने ब्लेम मारा था पार्लियामेंट को जलाने का, वो लोग को कम्युनिस्ट लोग कहते हैं हम लोग, तो उन लोगों को उसने अरेस्ट करना शुरू कर दिया कि चलिए अब आप लोग मामू के घर। इन लोगों को अरेस्ट किया, इन लोगों को बहुत टॉर्चर किया, परेशान इतना ज़्यादा किया कि उसकी एक्सप्लेनेशन किया नहीं जा सकता। डेमोक्रेसी को फिर उसने एक तरह से कह लीजिए डिक्टेटरशिप में ही बदल दिया। किसे बदल दिया? डिक्टेटरशिप में। मार्च 1933 आते आते उसने डिक्टेटरशिप लागू कर दिया और कहा कि अब कंट्री का कंडीशन बहुत खराब है, बिना डिक्टेटरशिप के हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे ट्रेड यूनियंस को कंप्लीटली बैन कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज जो उसके खिलाफ बोले, अरे बोलने के लिए कुछ होना ना चाहिए, तो उसने सबका मुंह ही बंद कर दिया, बैन। अब बैन कर दिया तो ओपनली तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो जो विरोध होना चाहिए इसके नीतियों का, वो विरोध करने के जो सारे यंत्र होते हैं, सबको बंद कर दिया। हिटलर ने क्या किया फिर पार्लियामेंट को किनारे किया कि भैया अब हम जो बोलेंगे वही पार्लियामेंट, आई एम द किंग एंड आई एम एवरीथिंग। ये हिटलर का सिस्टम था, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, इकोनॉमी, हर कुछ को अपने कब्जे में कर लिया। और किसी भी देश में ऐसा हो रहा है कि जो मीडिया है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव मतलब ये जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं भी है, वो भी सरकार के इशारों पे नाचने लगे, समझ लीजिए कि वहां डेमोक्रेसी जो है अब वैसे ही विदा हो रही है जैसे लोगों के दिलों से अब धीरे धीरे इंसानियत विदा हो रही है। तो हिटलर जो है पार्लियामेंट को साइडलाइन करता है, और इसने ये सारे लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब ये सारे लोगों को जो अपने कंट्रोल में कर लीजिएगा, तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ बचेगी नहीं। यहाँ तक समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। अभी इतना सारा उसको कांड करना है, लाखों हजारों लोगों को परेशान करना है, तो उसके लिए कुछ पुलिस वगैरह स्पेशली बनाएगा ना वो, कुछ लोग तो होंगे हु आर गोइंग टू हेल्प हिम, हु आर गोइंग टू सर्व हिम ब्लाइंडली। तो उसने कुछ सेक्रेट स्टेट पुलिस बनाया। स्टेट पुलिस मतलब अपने जगह का, कंट्री का एक पुलिस बनाया, और सेक्रेट पुलिस होती थी। उसमें सबसे जो कॉमन नेम आता है वो है गेस्टापो का। किसका नाम आता है? गेस्टापो। उसके बाद और भी है, SS है, SD है, ये सब कुछ ऐसे पुलिस हैं जो सेक्रेट तरीके से सिर्फ और सिर्फ हिटलर के लिए काम करते हैं। इनका काम क्या है? हिटलर
इनका काम क्या है कि इनके पास हिटलर ने इतना पावर दे दिया है कि दे कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम। तो अब इन लोगों के पास पावर इतना है कि ये लोग किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, कानून का फॉलो करें या ना करें। कानून के जो तरीका होता है अरेस्ट करने का, जैसे हमारे यहाँ ना आर्टिकल 22 में क्या अरेस्टिंग का बहुत सारा तरीका है, आर्टिकल 20 में, 22 में, इसमें कुछ बहुत सारी अधिकार वगैरह लोगों को मिले हुए हैं, वैसा कोई अधिकार वगैरह कोई लोग फॉलो नहीं करता था। जिसको दिल में आया उसको अरेस्ट किया, उसको कंसंट्रेशन कैंप में ले जा रहा है, इस तरह का कैंप बनाया गया था, उन लोगों को टॉर्चर कर रहा है। ये सारा पावर गेस्टापो SS SD के बीच को मिल गया था, जिसकी वजह से जर्मनी को कहा गया कि और ज्यादा क्रिमिनल स्टेट ये बन गया, क्योंकि नाजी जर्मनी में पुलिस थी। अब ये पुलिस ऐसी जो पूरी तरह से ध्यान रखती थी कि आप कहाँ हैं और आप कहीं सरकार के खिलाफ कुछ ज्यादा तो नहीं लिख रहे हैं। हाँ, तो सरकार के खिलाफ आप बहुत ज्यादा तो नहीं लिख रहे हैं, सरकार के खिलाफ आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ओपनली ये सारी काम कर रहे हैं, तब आपका अरेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये गेस्टापो SS SD जो है सेक्रेट पुलिस था, जो कंट्री को और ज्यादा डेंजरस बना देता था, क्योंकि लोग अब ज्यादा डरेंगे कि भाई हम बोले तो लेके चला जाएगा हमको, और बहुत इज्जत देता था यहाँ पे, इतना मारता था, इतना मारता था कि क्या अभी की पुलिस मारेगी। बहुत टॉर्चर होता था, हद लिमिटेड टॉर्चर होता था, इन लोगों के पास पूरा पावर दे दिया गया था। व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। यहाँ तक समझ गए हम लोग, आगे वो हम लोग पढ़ते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी में क्या क्या रिकंस्ट्रक्शन का काम भी हिटलर ने किया था। नाउ लेट्स मूव टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एक चीज होती है कंस्ट्रक्शन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, एक चीज होती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बोले तो तामीर करना, किसी चीज को बनाना, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी गड़बड़ाया होगा क्योंकि अभी लाइट कट गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब कोई चीज आप बना रहे। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, पहले कोई चीज डैमेज हो गई होगी, टूट गई होगी, उसके बाद आप बना रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। जैसे स्कूल लॉकडाउन की वजह से बंद थे, कोचिंग्स वगैरह बंद थे, फिर खुले हैं, तो उसको हम लोग रीओपन कहेंगे, क्योंकि पहले से तो खुले हुए थे, बीच में बंद हुए थे और फिर दोबारा से खुल रहे थे, तो रीओपन। कंस्ट्रक्शन मतलब कोई चीज़ बनती है। अब रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ, वो चीज़ बन तो रही है लेकिन बनने से पहले टूट चुकी थी। जैसे जर्मनी में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी इन्वॉल्व था ना भाई, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब जर्मनी इन्वॉल्व था, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, लॉस हुआ था। दोबारा से इसको रिकंस्ट्रक्ट करने का जो काम हुआ, दोबारा से इसको जो बनाने करने का काम हुआ, उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कहेंगे। रिकंस्ट्रक्शन किस देश की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जर्मनी की। अच्छा, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि जर्मनी जो रिकंस्ट्रक्शन का काम हिटलर ने सौंपा था, तो किसको सौंपा था? हिटलर ने रिकंस्ट्रक्शन का काम एक सौंपा था, उसका एक एडवाइजर था, उसने एक इकोनॉमिस्ट को सौंपा था। उस इकोनॉमिस्ट का नाम अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जरा जल्दी से, ताकि मैं समझूं कि हाँ आप रियली में एक्टिवली सुन रहे हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन का काम उसने एक इकोनॉमिस्ट को दिया था, जो मैं बाद में बताऊंगा कौन है वो, पहले उसका काम बता देता हूँ। अगर आपको मालूम है आप कॉमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखिए। नहीं मालूम है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, किसी को तो मालूम हो, जिसको मालूम हो वो बता सकते हो। तो इकोनॉमिस्ट ये जो बंदा है, ये क्या करता है, इसने क्या किया कि सबसे पहला काम ये किया कि सरकार का फंड, गवर्नमेंट के फंड का इस्तेमाल किया, ना विलियम नहीं है, गवर्नमेंट के फंड का, फंड मतलब गवर्नमेंट के पैसे का इस्तेमाल किया। गवर्नमेंट के फंड का इस्तेमाल करके क्या किया, लोगों में पार्ले जी बांट दिया।
लोगों को पबजी खेलने का छूट दिया, उस टाइम पबजी नहीं था, उस टाइम ये सब बकवास चलते नहीं थे। गवर्नमेंट का फंड जो है उसने यूज़ किया प्रोडक्शन को बढ़ाने में। प्रोडक्शन समझ रहे हो, फैक्ट्री वगैरह में क्या होता है, कोई चीज़ बनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। तो उसने क्या किया, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, प्रोडक्शन को बहुत तेज़ी से बढ़ाया। प्रोडक्शन जब बढ़ा तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भाई जॉब बढ़ेगा, बेरोजगारी जो घटेगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलने वाला है, एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। गवर्नमेंट फंड का इस्तेमाल करके क्या कर दिया उसने, गवर्नमेंट फंड का इस्तेमाल करके उसने किया था क्या, प्रोडक्शन को बहुत इंक्रीज़ किया। प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो गया तो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से फ़ायदा क्या हुआ, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से फ़ायदा क्या हुआ कि जॉब बढ़ गया। मान लीजिए तीन चार लड़के हो, मतलब मान लीजिए कि 10-12 100 लड़के हो ऐसे जो बेरोजगार हो गए, अब देखने लगे कहीं पे कुछ नया काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो आपको तो जॉब मिल जाएगा। तो इसने यही काम किया कि गवर्नमेंट के पास जो भी फंड था उसका प्रोडक्शन बढ़ाने में यूज़ किया, और जिसकी वजह से जॉब और रोजगार भी, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गया। यहाँ तक समझ के, अब देखो क्या होता है, इसके अलावा इसने कुछ और ऐसी चीज़ बनाई जो दिखने में अच्छी लगे, जैसे हाईवे। हाईवे समझ रहे हो, रोड वगैरह। इसने बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत रोड का नेटवर्क बनाया, उसमें एक जो बहुत ही फेमस वाला है जिसे हम लोग सुपर हाईवे कहते हैं, क्या कहते हैं, सुपर हाईवे। उसने एक और कार भी इंट्रोड्यूस करवाई थी, आपको याद है वो कौन सी कार है, एक कार भी उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उस कार का क्या नाम है अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रा बताएं। तो हाँ सही पकड़ रहे हो, कार जो इंट्रोड्यूस कराई गई थी उसका नाम था वोक्स, वोक्स वैगन। क्या नाम था, वोक्स वैगन। ये वोक्स वैगन जो कार है इसने इंट्रोड्यूस कराई थी, सुपर हाईवे बना दी थी। वोक्स वैगन कार जो है उस जमाने का एक तरह के कह लीजिए कि बहुत ही ज़बरदस्त ईजाद था। वोक्स जो शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसका असल प्रोनाउंसिएशन फोक्स होता है, जिसका मतलब होता है, क्या होता है मतलब, कॉमन पीपल, आम जनता, मैंगो पीपल। तो उसका मतलब क्या होता है, कॉमन पीपल, आम जनता, मैंगो पीपल। और इस वैगन शब्द का क्या मतलब हुआ, तो वैगन शब्द का मतलब होता है कार, यानी कि आम जनता की कार। अब आम जनता की कार है तो बहुत महंगी मिलने वाली है, एकदम करोड़ों में मिलेगी, इसलिए इसको आम जनता की कार कह रहे हैं। क्या लगता है, महंगी मिलेगी या सस्ती मिलेगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी या चीपर होगी ये? अगर आम जनता की कार कही जा रही है तो कहीं ना कहीं पे ये महंगी नहीं होकर क्या होगी, सस्ती होगी, बहुत आसानी से अवेलेबल होगी। अब वो लोग जो हिटलर से चाह रहे थे कि कुछ वो करे, प्रोडक्शन वगैरह, जॉब बढ़ाए, तो हिटलर ने ये कर दिया, उसने जॉब दे दिया लोगों को, कुछ लोगों को। उसने कुछ ऐसा काम भी किया जो विजिबल, देखने लायक है, मतलब कि रोड जैसे बना दिया तो वो तो आप देख सकते हैं कि हाँ भाई हिटलर ने तो बनाया, वाह जबरदस्त कुछ रोड बनाया। अब कार वगैरह इंट्रोड्यूस कराया, तो कार पे अगर आप बैठिए और सस्ते में कार आपको मिल रहा है, आप याद करिए आर्थिक मंदी का हालत, बहुत बुरा हाल था, लोगों गले में लटकाए हुए चल रहे थे कि हम हर काम करने के लिए तैयार हैं, हर काम करने के लिए हम तैयार हैं। और अभी वही लोग क्या कर रहे हैं, वही लोग क्या कर रहे हैं भाई, कुछ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको जॉब मिला है, और साथ साथ में वो सस्ते दाम में कार भी खरीद रहे हैं। तो बड़ी खुशी होगी कि वाह हिटलर जबरदस्त पर्सनालिटी है, उसने हमारी ज़िंदगी बदल के रख दी, उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। कुछ लोग जो अभी जुड़े हैं तो घबराइएगा मत, जब मैंने लाइव क्लास कंप्लीट कर लूँगा तो आप शुरू से देख लीजिएगा, आपको सारी बात फिर समझ में आ जाएगी, अगर कुछ छूट गया तो। बाकी अभी कंटिन्यू कीजिए, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत जी, रिकंस्ट्रक्शन समझ में आया सबको? रिकंस्ट्रक्शन सबको समझ में आ गया? बाकी जो लोग अभी नहीं जुड़े उनको लिंक वगैरह सेंड कर दोगे तो वो लोग भी जुड़ जाएंगे ऐसे जल्दी से, कई लोगों को नहीं मालूम होगा कैसे जुड़ना है। चलिए तब हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ने वाले, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह तो बहुत आसान था, इसको समझना उतना ज्यादा मुश्किल था नहीं। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं एक और टॉपिक की ओर, जिसका नाम होगा हिटलर की फॉरेन पॉलिसी।
हिटलर की LIC, हिटलर की क्या LIC का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, ये है क्या फॉरेन पॉलिसी। हिटलर की क्या फॉरेन पॉलिसी, तो हिटलर की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है। हिटलर ने दिमाग लगा लिया था कि भैया वी हैव नो अदर वे अदर देन फाइटिंग विद द पीपल। हिटलर ने क्या किया, सोच लिया था कि मेरे को लड़ने के अलावा कोई रास्ता है नहीं जिसके द्वारा मैं अब लोगों को जोड़ूंगा। तो सबसे पहला काम उसने क्या किया, एक संस्था थी उसका नाम था लीग ऑफ नेशन, ये बनाई गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद ये बनाई गई थी आगे लड़ाई वगैरह को रोकने के लिए। हालांकि सक्सेसफुल नहीं हुई, अगर ऐसा होती तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन, वो सब इंफॉर्मेशन बच्चा आप कॉल करके ले लीजिएगा, लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो चल रहा था मैटर, क्या चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन को बनाया गया, किस लिए बनाया गया, शांति स्थापित करने के लिए, ताकि लोग लड़े नहीं आपस में। अब हिटलर क्या करना चाह रहा था, लड़ना चाह रहा था, वॉर करना चाह रहा था। वॉर करने के लिए यहां से तो निकलना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी संस्था बनाई गई थी जो आज भी कायम है, स्थित है, जिसका काम है शांति स्थापित करना, याद है आप लोगों को? तो याद है तो जरा जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कौन से नेशन, उसके लास्ट में भी नेशन आता था, ये मैंने इतना हिंट दे दिया आपको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का लीग ऑफ नेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी एक ऐसी संस्था बनाई गई जो शांति वगैरह करेगी पूरी दुनिया में। अब देखिए कि लीग ऑफ नेशन से हिटलर बोलता है आई हैव नो वर्क इन यू, मेरे को तुमसे निकलना ही पड़ेगा। तो इसने हिटलर ने यहां से क्या किया कि खुद से को निकलना शुरू कर दिया। हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने यहां से जर्मनी को निकाला, बोले यहां रहने के बाद तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से निकाल लिया, क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट वही था। उसने कहा कि आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर लीग ऑफ नेशन, उसने इससे निकलना बेहतर समझा। आगे काम क्या किया हिटलर ने धीरे धीरे, कि राइनलैंड आपने पढ़ा होगा वर्साई ट्रीटी में, तो राइनलैंड का जो एरिया का छीन लिया गया था उसको इसने रीऑक्यूपाई कर लिया, दोबारा से गेन कर लिया। लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा था हिटलर में। हिटलर ने कहा था कि मैं वर्साई ट्रीटी की शर्तों को नहीं मानूंगा, फाड़ के फेंक दूंगा उसकी एक एक शर्त को, राइनलैंड पोलैंड सबको कब्जा कर लूंगा, और वो कर रहा है ऐसा। तो लोग बोल रहे नहीं, यू आर डूइंग वेल, आई एम विथ यू, वी आर विथ यू। तो अच्छे खासे लोग उसे समर्थन में आने लगे। राइनलैंड को उसने रीऑक्यूपाई कर दिया। इसके अलावा ऑस्ट्रिया जो है उसको जो है जर्मनी के साथ यूनाइटेड कर दिया, यूनाइटेड मतलब जोड़ दिया, एक कर दिया। स्लोगन बहुत फेमस था मारा उसने, बहुत ही चर्चित स्लोगन मारा, यहाँ पे मैं स्लोगन लिख देता हूँ। स्लोगन उसने मारा वन पीपल वन रूल एंड वन नेशन, ऐसा ही कुछ उसने स्लोगन वगैरह मारा था। इससे क्या हुई, जनता काफी उसके समर्थन में आ गई, लगा कि वाह क्या काम कर रहा है बंदा। तो असल में स्लोगन था वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, यानी एक जनता एक अंपायर होनी चाहिए, एक लीडर, यानी जनता सब एक, यानी सबको हम मिला लेंगे जर्मनी में। और एम्पायर, एम्पायर मतलब हमारे यहाँ एम्पायर रहेगा, जर्मन एम्पायर रहेगा, और लीडर कौन, सिर्फ मैं हिटलर। तो ये वन वन का नारा लगा के उसने कई लोगों को सान लिया, इसमें सबको मिलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक समझ रहे हैं हिटलर की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, सबसे पहले लीग ऑफ नेशन से खुद को निकाला, सोच लिया था वार इज द ओनली वे टू गेट डेवलप, तो ये एग्जिट आउट कर लिया खुद को जर्मनी को। दूसरा क्या है, राइन लाइन वॉज रीऑक्यूपाइड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को यूनाइट किया, और नारा दिया क्या कि वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। तो अपनी तारीफ के लिए ये पूरा काम यहाँ पे चल रहा था। अब आगे क्या करता है हिटलर ने, हिटलर ने बोला कि वार इज द ओनली वे। तब जब वार इज द ओनली वे मान लिया हिटलर ने, तो उसके बाद क्या करेगा, वो डिफेंस पे खर्च वगैरह बढ़ा देगा, डिफेंस वगैरह पे खर्च क्या करेगा, बढ़ा देगा।
अब उसका जो इकोनॉमिक एडवाइजर था, जिसका नाम आप लोगों ने नहीं बताया, मैं बताता हूँ आपको, उसका जो इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था जालमार शाट। क्या नाम था? जलमार शाट। तो जल के मर सकते थे इसलिए जलमार शाट। तो ऐसे याद कर सकते थे, जलमार शाट जो थे ये इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिक एडवाइजर थे। तो उन्होंने मना किया कि भैया आपका इकोनॉमी खुद का धारा शाही है, अच्छा खासा बर्बाद है, देन वाई आर यू स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन वॉर। हिटलर ने बोला कि तुमको हम किस लिए रखे हैं, तुम हमको वही एडवाइस दोगे जो मेरे थिंकिंग के अनुरूप होगा, यानी जो मुझे पसंद होगा। वो ऐसी बात है। तो जालमर शाट ने एडवाइस दिया कि नहीं, वॉर की तरफ आप मत जाइए, डिफेंस पे ज़्यादा खर्च मत कीजिए, आपकी इकोनॉमी वैसी नहीं कि आप बर्दाश्त कर पाइएगा। हिटलर ने बोला कि तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया बाबू, तुम निकल लो यहाँ से। हिटलर ने इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि हिटलर अपने खिलाफ, अपने आइडिया के खिलाफ किसी का बात सुनना नहीं चाहता था। उसने कहा तुम निकलो यहाँ से। हिटलर ने इसको, इनको हटा दिया। किसी थोड़ा सा टॉपिक बच रहा है, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ हिटलर कैसे जाता है, तो क्या बोलते हैं, उसको भी कंप्लीट कर ही दिया जाए। कैसे सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होता है, क्या क्या हरकत ऐसा होता है जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है, कंप्लीट कर देते हैं, तो पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हिटलर की कुछ ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से वो वार की ओर जा रहा था। देखिए समझते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट लीडर लोग वार की तरफ देश को ढकेल देता है। देखिए क्या करता है इस बंदे ने, इसने कहा कि अब भाई अब जॉब चाहिए सबको, मैंने तो वादा तो किया था जॉब दूंगा, अब जॉब दूंगा कहाँ से, पैसा है नहीं, इकोनॉमी है नहीं, हमारे कंट्री धराशायी है, कितने लोगों को जॉब दे सकता हूँ, ज़्यादा लोगों को नहीं दे सकता हूँ। तो इसने कहा कि देखो एक ही बात, एक ही रास्ता है बाबू लोग, तुम लोग क्या करो कि हम लोग वार में जाते हैं, वार में जाएंगे तो हमारा जो एरिया है, टेरिटोरी जो हमारे पास पहले से है, उससे ज़्यादा टेरिटोरी हम कैप्चर करेंगे, और जब टेरिटोरी कैप्चर करेंगे, एरिया कैप्चर करेंगे, तो वहाँ पे कोई ना कोई रिसोर्स तो मिलेगा ही, वहाँ पे जो भी रिसोर्स मिलेगा, कुछ वैल्यूबल रिसोर्स मिल सकता है, कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह मिलेगी, तो वहाँ तुम लोग अपना जॉब कर लेना। तो उसका कहना था कि इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का जो वे आउट है, इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने का जो रास्ता बचा है, वो वार से ही बचा है, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर हम कैसे निकलेंगे? वार से निकलेंगे। बताइए, वार से तो इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में पड़े थे, और ये बोल रहा था कि वार से हम इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व कर लेंगे, और जो बे इंसान था एकदम। अब देखो क्या हुआ, इसने वार की तरफ कंट्री को ढकेला, क्या बोला कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी कब्जा करूंगा, उसमें हमको रिसोर्स मिलेगा, और रिसोर्स मतलब फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, और भी चीज़ जैसे कि मिनरल्स वगैरह मिल गया, वहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे, लोगों को जॉब देंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस। लोगों ने कहा कि ठीक है, वेल इनफ, लेट्स गो। तो लड़ने के लिए तैयार। हिटलर ने अब शुरुआत, सबसे पहला जो स्टेज, पहला काम किया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार का कह लीजिए कि शुरुआती स्टेप माना जाता है। अब हिटलर ने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वार का बिगुल बच जाएगा। क्या किया इसने? पोलैंड का नाम आपने सुना है, वर्साई ट्रीटी में इसका नाम जरूर आया होगा। इसने पोलैंड ने आपका हिटलर का जर्मनी का कुछ एरिया कब्जा किया था, पोलैंड ये जर्मनी की इस साइड में, ईस्टर्न साइड में, तो पोलैंड पे जर्मनी के हिटलर ने बोला कि अटैक करना है। इसने क्या कर दिया? इस पे अटैक कर दिया। जैसे ही इस पे अटैक किया, 1939 में पोलैंड के समर्थन में बहुत सारे दोस्त, जो इसके दोस्त थे, बहुत सारे देश आ गए। ऐसा नहीं होता है कि कई बार कुछ कंट्री, कुछ लोगों को आप छोटा बच्चा समझ के उससे लड़ाई कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, आपको लगा रहे मार के तो हम निकल जाएंगे, लेकिन जैसे उसको मारा तो देखा कि और भी लोग उसके समर्थन में आ गए, तो आपको लगा कि मामला तो बहुत पेचीदा है, यहाँ पे तो हमको ही मार खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पोलैंड में 1939 में, 1939 में, 1939 में होता क्या है कि इसने अटैक कर दिया, पोलैंड पे अटैक किया। जैसे ही पोलैंड पे अटैक किया, हुआ ये कि अब पोलैंड के समर्थन में इसके दोस्त फ्रांस और इंग्लैंड आ गए। तो आप एक तरह से कह लीजिए कि वार का बिगुल बज गया ना भाई, कंट्री ज्यादा ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, तो हालात खराब हो रही है। जैसे भी आर्मेनिया अजरबैजान में क्या हो रहा, हालात काफी खराब है, लड़ाई चल रही है काफी दिनों से। पोलैंड का समर्थन में फ्रांस आ गया, और फ्रांस के समर्थन में इंग्लैंड आ गया, तो कुल मिलाकर तीन देश हो गए। जर्मनी ने, हिटलर ने सोचा कि हम अकेले काहे लड़े, व्हाई शुड आई फाइट अलोन,
हम भी क्यों अकेले पड़े, हम भी कुछ लोगों को जोड़ लेते अपने साथ। तो हिटलर ने भी कुछ लोगों को जोड़ लिया, ठीक है। हिटलर ने क्या किया, कुछ लोगों को जोड़ा। क्या किया कि हिटलर ने अपना, हिटलर कौन से कंट्री का था जी, कुछ याद आया आप लोगों के, भूल गया सब कुछ। हिटलर ने जर्मनी का तो वो खुद था ही, साथ साथ में इटली को बोला कि दोस्त वी हैव टू बी यूनाइटेड। जर्मनी इटली के साथ मिल गया और जापान को भी मिला लिया। अब यहाँ पे इन लोग तीन तिकड़ी हो गई, एक तिकड़ी हो गई। यहाँ देखे पोलैंड के साथ में फ्रांस आए, फ्रांस के समर्थन में इंग्लैंड आ गए, ये तीन देश इधर हो गए। और जर्मनी ने इटली का समर्थन लिया और जापान का समर्थन लिया। जर्मनी ने इटली को भी जोड़ लिया, जापान को भी जोड़ लिया। अब ये तीन लोग मिल गए, तो इन लोगों को हम लोग कह सकते हैं कि तीन पार्टी है ये। इसी तीन पार्टी को ट्राई, इन लोगों के बीच में एक समझौता हुआ जिसको कहते हैं ट्राई पार्टीट एक्ट। ये लोग पार्टी एक है कि दो है कि तीन है, तीन पार्टी है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्राई, ट्राई मतलब थ्री, पार्टी मतलब पार्टी, और पैक्ट, सॉरी एक्ट नहीं, पैक्ट, पैक्ट मतलब समझौता। इन तीनों ने मिलकर समझौता साइन किया। पोलैंड एक तरफ था, पोलैंड फ्रांस और इंग्लैंड, पोलैंड फ्रांस इंग्लैंड एक साइड में था। ये लोग मिल गया लड़ने के लिए तैयार। अब जर्मनी अकेले क्यों रहे, उसने इटली जापान इसका समर्थन ले लिया। अब मिलजुला के एक ट्राई पार्टाइट पैक्ट साइन हुआ। ट्राई बोले तो थ्री, पार्टी मतलब पार्टी, और पैक्ट मतलब समझौता। इस पैक्ट में ये कहा गया कि हिटलर को ही मसीहा मान लिया गया, हिटलर को ही माना गया कि इंटरनेशनल पावर इसी के पास होल्ड होना चाहिए और हिटलर को हम सारे लोग समर्थन देने वाले हैं। कौन बोला, जर्मनी इटली जापान ने कहा कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू। तो हिटलर को कह लीजिए कि इसको भी समर्थन मिल गया। अब धीरे धीरे ये जो वार है फुल फ्लेज्ड वर्ल्ड वार में बदलता जा रहा है, धीरे धीरे कंट्रीज बढ़ते जा रही है। तो धीरे धीरे हुआ क्या, कंट्रीज का जो पार्टिसिपेशन है इस वर्ल्ड वार में बढ़ते जा रहा है। पहले बहुत कम कंट्रीज थे, धीरे धीरे क्या हो, कंट्रीज बहुत ज्यादा आने लगे। अब वर्ल्ड वार का मतलब ही क्या होता है, जिसमें बहुत ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। अब वार के हालात बन चुकी है, वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे को मारने मरने पे तुले हुए हैं। कई बार तुम्हारे घर में भी वर्ल्ड वार हो जाता है, भाई भाई में एकदम लड़ाई चल रहा है, बहन बहन में एकदम लड़ाई चल रहा है, सीरियल देखने की लड़ाई हो रहा है, पबजी के लिए लड़ाई हो रहा है, कई वजह से लड़ाई होता है। पापा ने कुछ लाया, एक भाई में भी लड़ाई हो जाती है। तो वो वर्ल्ड वार उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो घर पे होता है, ये वार बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो यहाँ पे ये लोग एक साइड हो गए, एक लोग इस साइड हो गए। अब ये युद्ध चल रहा था, लेकिन हिटलर शुरू में कह लीजिए जीत रहा था, बेल्जियम जिस पे भी अटैक कर जीत जीत जा रहा था, फ्रांस वगैरह को इसने हरा दिया था। हालांकि इंग्लैंड और रशिया में हालात थोड़ी खराब हो गई इसकी। अब हिटलर के बारे में कहा जाता है कि इसने सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया, सबसे बड़ी गलती क्या कर दी हिटलर ने, जिससे पूरी कहानी बदल के रह गई। वो हिटलर का सबसे बड़ा मिस्टेक माना जाता है कि हिटलर ने रशिया पर अटैक कर दिया। रशिया का हिटलर से, जर्मनी से अभी कुछ खास प्रॉब्लम था नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ खास चल नहीं रहा था, बल्कि ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि रशिया जो है जर्मनी का समर्थन करेगा। लेकिन अब रशिया पे इसने अटैक क्यों किया, क्योंकि ये चाह रहा था कि हमको पूरे यूरोप का राजा बनना है। हाँ, इसने बोला कि मेरे को पूरे यूरोप का राजा बनना है। पूरे यूरोप का राजा बनना चाह रहा कौन, हिटलर। अब हिटलर जो है, हाँ आप सही बोल रहे हो, हिटलर जो है रशिया पूरे राजा बन जाना चाह रहा था, किसका, पूरे यूरोप अंपायर का। इसलिए रशिया पे भी अटैक कर दिया और ईस्ट से, वो इधर से देखा जाए वेस्ट से वो लड़ रहा था इंग्लैंड से भी। तो इधर से इंग्लैंड पड़ गया, इधर से रशिया पड़ गया। अब हिटलर की जो आर्मी है, जर्मन आर्मी, ये थोड़ा कमजोर पड़ गई, क्योंकि दोनों तरफ से आपको कोई घेर लेगा तो अब डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। रशिया में आर्मी जब गई तो वहां ठंड काफी पड़ती है, स्नोइंग काफी होती है, तो ये ठंड को काफी आर्मी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। कई लोगों का मौसम की वजह से डेथ हो गया, कमजोर हो गए। और बाकी इंग्लैंड से और हिटलर, जर्मनी की जो लड़ाई हुई है ये पूरी तरह से आसमानी लड़ाई हुई थी, यानी ये लोग जमीन पर नहीं उतरे थे। एक तरफ से यहाँ से प्लेन जाता था, वहां से प्लेन आता था, इन दोनों के बीच में ही लड़ाई होती थी। वहां पे कोई स्थल पे लड़ाई नहीं हुई, ना कोई जल पे लड़ाई हुई, पूरी तरह से एयर पे लड़ाई हुई थी हिटलर और जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में। लेकिन दोनों तरफ से घेरा जाने की वजह से जर्मनी काफी कमजोर हो गई, जर्मनी की आर्मी इतनी कमजोर हो गई कि ये जो सोवियत आर्मी थी, रेड आर्मी, इन्होंने हिटलर को
हरा दिया, डिफीट कर दिया, पूरी तरह से इसको पीछे मुड़ने में मजबूर होना पड़ा। ये लोग रशिया में गए थे आक्रमण करने के लिए, और रशिया की आर्मी ने इनको इतना दौड़ाया कि ये लोग वापस से बर्लिन में आ गए। तो ये लोग वापस से कहाँ आ गए, बर्लिन में आ गए। थे कहाँ ये लोग भाई, गए रशिया पे अटैक करने के लिए, बहुत ही बाजे गाजे के साथ गए, उम्मीद के साथ गए कि जा रहे बर्लिन, यूएस रशिया पे कब्जा कर लेंगे, और पूरे जबरदस्त भगा दिया गया इन्हीं लोगों को। और इनको इतना जबरदस्त डिफीट करना पड़ा कि यहाँ बर्लिन तक रशियन की फौज घुस गई थी। ये लोग काफी लोग मारे गए। उसी टाइम पे हिटलर को समझ में आ गया कि बेटर है कि निकल लीजिए। हिटलर ने और अपनी वाइफ ने, दोनों ने सुसाइड कर लिया। उसकी वाइफ ने साइनाइड जहर खा लिया था, हिटलर ने खुद को गोली मार ली, और बहुत सारे जो नाजी के लोग थे उन्होंने भी ये काम करना शुरू कर दिया, खुद को गोली मारना, सुसाइड करना शुरू कर दिया। उनको लग रहा था ये लोग पकड़ेंगे तो उनको बहुत डिस्टर्ब करेंगे, बहुत मारेंगे। तो हिटलर ने ये सारा काम यहाँ, ये तो जर्मनी की बात हो गई, लेकिन इधर जापान की बात की जाए जो कि जर्मनी के समर्थन में था, तो जापान बहुत ही पावरफुल तरीके से लड़ रहा था जी। जापान एकदम बोले तो एकदम जबरदस्त तरीके से लड़ रहा था, हर कोई उससे खौफ खा रहा था। सिंगापुर पे उसने अटैक कर दिया था और सिंगापुर का कब्जा कर लिया था, जहाँ पे ब्रिटेन लोगों का कब्जा था। म्यांमार पे इनका कब्जा था, तो म्यांमार पे भी जापान लोगों ने कब्जा अटैक मारा, तो म्यांमार के लोग भाग गए, और म्यांमार में जो अंग्रेज लोग थे वो भाग गए, तो जापानी लोगों ने म्यांमार के लोगों को बंदी वगैरह बना लिया। अब देखिए जापान का कनेक्शन इंडिया से भी है। इंडिया में हुआ था क्या, ये हुआ था एक आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं जरा बताओगे तो, भारत छोड़ो आंदोलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया, इसको गांधी जी ने मेन लीड किया था और भी लोग थे इनके साथ में। इसके पीछे का कारण क्या हुआ, हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की आर्मी वो जगह पर अटैक करी थी जहां ब्रिटेन का रूल था, जिसे म्यांमार में था। क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत सही बहुत सही। इसको कब किया गया था ये भी बता देना जरा। म्यांमार में सिंगापुर वगैरह में अटैक कर रही थी, तो इंडिया भी तो किसके अंदर में आता है, इंडिया किसके अंदर में आ रहा था, ब्रिटेन वाले लोगों के अंदर में। तो इस बात का बहुत खतरा था कि जापान की आर्मी इंडिया में अटैक ना कर दे। अब सीधी सी बात है कि जापान की आर्मी इंडिया में अटैक करेगी तो नुकसान हो सकता है, लोगों काफी बेकसूर लोगों की जान जाएगी। गांधी जी कह रहे थे कि भाई ये लोग तो बहुत धोखेबाज लोग हैं, जापान की आर्मी ने जब बर्मा पे अटैक किया म्यांमार पे, तो ये लोग छोड़ के भाग गए, तो वहां के लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया। यही काम जापान अगर इंडिया में अटैक करेगा तो फिर हमारे लिए फिर नुकसान होगा, ये तो भाग जाएंगे, ये लोग दुम दबा के भागने का इन लोगों की आदत है। तो गांधी जी ने कहा कि हमारी जापान से कोई दुश्मनी नहीं है, जापान को जो करना करे, वी हैव नो प्रॉब्लम विद जापान। जापान हमको क्यों अटैक करा, क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ है। तो उसने कहा कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो, अंग्रेज लोग भारत तुम छोड़ के चले जाओ, हमको तुमसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, तुम जाओ यहाँ से भारत छोड़ के, तुम जाओगे जापानी लोग हम पर तक नहीं आएंगे। अब गांधी जी ये सारी मीटिंग वगैरह कर रहे थे, लेकिन रात में ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता, ऑपरेशन जीरो आवर। हालांकि सब नेता को अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, ऑल ऑफ देम वर अरेस्टेड, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन बहुत सक्सेसफुल तरीके से हो जाता है। जैसे उसमें जयप्रकाश नारायण बिहार के और बहुत सारे छोटे छोटे नेता जिसको कह सकते हैं, उस जमाने इतना फेमस नहीं थे, उन्होंने उसको लीड किया, और आम जनता को उसे बहुत ज़बरदस्त कोलेब्रेशन। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे ज़्यादा सफल तरीके से कहाँ हुआ था, तो बिहार में ही हुआ था। अब पटना में देखिएगा तो 7 बच्चों को शहीद भी कर दिया गया था, उसको गोली मारा गया था, वहाँ पर उन लोगों का स्मारक भी है। तो जापान क्या कर रहा था, अपने तरफ से लड़ रहा था, इसने गलती इसने भी कर दी। इसने क्या कर दिया कि यूएस का जो पर्ल हार्बर, जो आर्मी का जो बेस था, नेवी का जो बेस था, वहाँ पर इसने अटैक कर दिया। यहाँ पे जब अटैक कर दिया तो यूएस बोल रहा था कि भाई हमको लड़ाई वड़ाई से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये आया था तो इसको बहुत लॉस हुआ था, इकोनॉमिक डैमेज हुआ था। भाई आप जीतो या हारो, जंग में आपको नुकसान होगा, इकोनॉमिक नुकसान होना ही है। तो यूएस को पहली बार नुकसान हो चुका था। अब जो भी आदमी जानते हैं आप, एक बार दूध से मुंह जल जाएगा तो मट्ठा फूंक फूंक के पीजिएगा। तो यूएस की एक बार लड़ाई में ये लोग बेचारा हार चुका था, दोबारा ये लड़ना चाहता ही नहीं था। करे तो क्या करे, यूएस लड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन नो अदर वे आउट है। तो यूएस पे अटैक मार दिया गया, जब यूएस पे अटैक मारा तब यूएस एक्टिव हुआ, वरना यूएस को कोई मतलब नहीं था, जंग में आया ही नहीं। अब यूएस आया लेट में, अब जब यूएस आया लेट में, यूएस जब लेट में आया लड़ने के लिए, तो सीधी सी बात है कि उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, ज्यादा मजबूती से लड़ेगा। जर्मनी जापान पहले से लड़ रहे थे, थोड़ा कमजोर पड़ जाएंगे। तो यूएस ने इसका बदला लेने के लिए हिरोशिमा, अपने पढ़ा होगा हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों जगह पे बम गिरा दिया।
दो दो दिन, तीन तीन दिन के गैप पे हिरोशिमा पे बम गिराया पहले, फिर नागासाकी में बम गिराया। अब पूरी तरह से जापान तबाह हो गया, दो शहर तो एकदम मान लीजिए कि मटिया मिलीट हो गए, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तो जापान ने क्या काम किया कि पहला तो कि पार्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, जिससे यूएस बौखला के उसने भी हिरोशिमा पे और नागासाकी पे अटैक मार दिया। अब सीधी सी बात है कि जापान हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक मार देगा तो उससे जापान के जो एरिया है, जापान पे अटैक हो गया यूएस के द्वारा, तो जापान बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू फाइट एनी मोर। जापान ने चुपचाप से ट्रीटी साइन कर ली, सारा का सारा वर्ल्ड वार खत्म हुआ। और फाइनली यूएस वाले जो लोग थे, यूएस, इंग्लैंड, फ्रांस, यही लोग जीत जाते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में। अभी के जो क्लास में कुछ कन्फ्यूज़न हुआ है, कुछ बात समझ नहीं आई है, तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास है 2 मिनट। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक दैट हैज़ बिन टॉट टुडे, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन वाया लाइव चैट, एंड यू गॉट ऑलमोस्ट 2 मिनट्स। बी क्विक, अगर क्लास छूट गया है तो आप बाद में उसको शुरू से देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, यू कैन आस्क हियर। सारी बात समझ में आ गई? बहुत ज़बरदस्त, बहुत वेल डन। तो इस वीडियो को जो है, वैसे लोग जो नहीं देख पाए हों, लाइव में नहीं आ पाए, उन लोगों को शेयर वगैरह करो, ताकि जो है अच्छा कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। चलो एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं जल्दी से, सब आपको कोई सवाल है नहीं तो। देखिए एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था। अब वो क्या कर रहा था ना, वो देख रहा था एक गुब्बारे वाले को, गुब्बारे वाला गुब्बारा उड़ा रहा था, गुब्बारा वो हर तरह के रंग का उतार रहा था, उड़ा रहा था। उसने देखा कि भाई ये वाइट रंग का गुब्बारा उड़ा रहा है, उसने देखा कि ये ब्लू रंग का गुब्बारा भी उड़ा रहा है, ये रेड कलर का भी गुब्बारा उड़ा रहा है। लेकिन वो बच्चा, छोटा बच्चा, नोटिस कर रहा था कि भाई, उस छोटे बच्चे ने ये नोटिस किया कि गुब्बारे वाला काले रंग का गुब्बारा क्यों नहीं उड़ा रहा है, क्या उस गुब्बारे में उड़ने की क्षमता नहीं? वो जाकर बच्चा गुब्बारे वाले से पूछता है कि अंकल, ये काले रंग का गुब्बारा क्यों नहीं उड़ता है, क्या ये नहीं उड़ सकता है? तो उस अंकल ने क्या किया कि अरे इसमें क्या बात है, उसको भी उड़ा दिया। उसको क्या कर दिया, उड़ा दिया आसमान में। अब काला वाला गुब्बारा भी उड़ गया आसमान में, तो उस बच्चे को उस गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटा, बाहर के रंग से कुछ नहीं होता है, अंदर अगर कुछ होगा तो वो आप उड़ोगे। तो गुब्बारा क्यों उड़ गया आसमान में, क्योंकि उसके अंदर में कुछ था। अंदर में क्या था, अंदर में हवा थी, अंदर में वो हवा थी जो उड़ाने में आपको हेल्प करती है। तो काला कलर हो या ब्लू कलर हो या वाइट कलर हो, बच्चा भी एक ब्लैक था, तो उसको ऐसा लगा कि ब्लैक लोग आगे नहीं जा सकते, वो कह लीजिए इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में शिकार था। तो उसको उसने कहा गुब्बारे वाले ने कि बेटा अंदर में क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉरी बाहर में क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर में दम रहना चाहिए तो आप उड़ सकते हो। तो वैसे ही बात है, आप किस भी परिवार से आते हो, कैसा भी आपके हालात है, तो ये बाहर के आवरण है, अंदर से आप क्या, आप कितना मेहनत करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, कितनी पढ़ाई में शिद्दत से लगते हैं, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना अपने टारगेट के प्रति ओरिएंटेड रहते हैं कि हमको ये टारगेट को अचीव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखते होंगे आए दिन, आपको सुनते होंगे कि रिक्शा वाले, किसान, ये बहुत गरीब इंसान के बच्चों ने बड़ा बड़ा एग्ज़ाम निकाल लिया। कैसे निकालो, उन्होंने पढ़ा। ठीक उसी तरह से आप भी बाहर के आवरण को छोड़ के अपने अंदर को मजबूत कीजिए, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, देन यू आर ऑल्सो गोइंग टू सक्सीड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद है कि स्टोरी जो है बहुत अच्छी लगी होगी। वॉक्स वैगन मतलब एक तरह का कार होता है, वॉक्स वैगन, जो जिसे हम लोग पीपल्स कार कहते हैं, जो जर्मनी में हिटलर के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।